अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट ज़ारा, जो प्रोग्राम लेके आई है कश्मीर अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन पूरी दुनिया में बदलती जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 14,000 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 4,000 लोग रिकवर कर चुके हैं और 280 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन इस सब में खुशाइन बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग सारे शाना बशाना मौजूद हैं और इस मुश्किल वक्त का मुकाबला कर रहे हैं। आज हम इसी प्रोग्राम में ज़िक्र करने वाले हैं एहसास कैश प्रोग्राम के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद रफ़ीक साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के लिए फेडरल कोऑर्डिनेटर हैं एहसास कैश प्रोग्राम के। आज हम उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, किस तरह ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, किस तरह से लोगों तक कैश पहुँचाया जा रहा है और इस तरह की बाकी सारी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे वाजिद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीडिया कम्युनिकेशन एंड आउटरीच ऑफिसर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के लिए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन को हमें रिप्रेजेंट करता हूं और यहीं पे हम पूरे मुल्क आज़ाद कश्मीर के लिए वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल ने जब मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया, तो उस वक्त अल्टरनेटली सारी गवर्नमेंट्स ने ये फ़ैसला किया कि हमें लॉकडाउन पर जाना है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने एक पैकेज अनाउंस किया ताकि हम लोगों को भूख से मरने के लिए बचा सकें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका बिज़नेस, उनका खाना पीना, उनकी दिहाड़दारी जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासिर होनी थी। तो एहसास कैश प्रोग्राम जो है, ये एक असिस्टेंस, एमरजेंसी असिस्टेंस कैश प्रोग्राम है, जिसमें हमने लोगों को उनकी बुनियादी और बेसिक लाइवलीहुड उनके घरों तक पहुँचानी थी, ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर सकें। वाजिद साहब, ज़रा ये बताते जाएं हमें कि ये प्रोग्राम जो है बुनियादी तौर पे किन लोगों के लिए है और कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी जो है वो खत गुरबत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो उस हिसाब से ये देखा गया कि वो तमाम लोग जो पहले से ही खत गुरबत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ज़्यादा अफेक्टिव हैं और उनको ज़्यादा मदद की ज़रूरत है गवर्नमेंट की। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर साहिबा ने कैबिनेट में जब अपने सारी की सारी डिटेल्स दिए और फिर एक प्रोजेक्ट प्रपोजल्स उनको दिया कि हम सबसे पहले वो तमाम लोग जो खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अगर टारगेट कर लें तो हम उनको भूख से मरने से बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूरत हाल कोरोना के बाद तब्दील हो गई थी, हमें इसमें मज़ीद स्टेप्स भी लेने थे। उन मज़ीद स्टेप्स में हमने ये किया कि वो तमाम ख़वातीन जो पहले से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज थी, उनको 12,000 रुपया कैश जो है वो पहले मरहले में पहुंचाई गई, ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें। और फिर जो सर्वेज़ हुए थे 2010 और 2011 में आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद सर्वे नहीं हो सका, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि हम यहाँ पे अपना सर्वे कंडक्ट नहीं करवा सके, जबकि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में ये सर्वे कंडक्ट हो चुका था। तो फैसला ये किया गया कि उसी सर्वे को बुनियाद बनाकर थोड़ा सारा क्राइटेरिया को रिलैक्स किया जाए। वो लोग जो गरीब ज़रूर थे, लेकिन बजट एलोकेशंस एंड फंड्स की कमी की वजह से हम उन्हें एड्रेस नहीं कर सकते थे। अभी क्योंकि हमारे पास फंड्स आए, तो हमने उस क्राइटेरिया को रिलैक्स किया, उसको 16.1 पीएमटी स्कोर से 26 तक ले गए। तो उससे ये हुआ कि मज़ीद आज़ाद कश्मीर में 94,000 हाउस होल्ड ऐसे थे जो इससे इंटरटेन होने की पोजीशन में आ गए। मैं आपके साथ एक चीज़ लाजमी तौर पर डिस्कस करूँगा। 2017 में जो सर्वे हुआ, उसमें टोटल आज़ाद कश्मीर जो है उसके 6,40,000 हाउस होल्ड रजिस्टर हुए। तो उस हिसाब से आप देखें कि फर्स्ट कैटेगरी में तकरीबन 87,000 हाउस होल्ड को हमने इंटरटेन किया, एंड सेकंड कैटेगरी में हमने इंटरटेन किया 94,000 को। अभी भी इसमें मार्जिन रखा गया और एजेके गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रुए कार लाते हुए मज़ीद लोगों को आइडेंटिफाई करें।
उसको कैटेगरी 3 का नाम दिया गया। अच्छा, तो यानी इस प्रोग्राम के अंदर 3 कैटेगरीज हैं और आपने 2017 और 2010 का डेटा इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क में इन 3 कैटेगरीज को तरतीब दिया है और जिन लोगों को इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा हमें और एक्सप्लिसिटली बताइएगा कि जो कैटेगरी 1 है उनमें कौन लोग शामिल हैं, कैटेगरी 2 में कौन है और कैटेगरी 3 में कौन है। कैटेगरी 1 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो तमाम ख्वातीन मौजूद हैं जो पहले से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज थी। पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 43 लाख हैं और आज़ाद कश्मीर में वो 87,000 हैं। कैटेगरी 2 में हमने 45 लाख लोगों को इंटरटेन करना था एज़ पर बजट एलोकेशंस। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 94,000 लोगों को हम इससे इंटरटेन कर रहे हैं। और उसके बाद आता है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 को हमने इंटरटेन किया है बदलते हालात को मद्देनज़र रखते हुए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से लोगों की दिहाड़दारी मुतासिर हो गई। वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पे काम करते थे, वो तमाम लोग जो कि वीकली अपने काम करते थे या अपना छोटा मोटा बिजनेस करते थे, उनको घरों में महसूर होकर रहना पड़ गया, जिसकी वजह से अब उनकी बेसिक लाइवलीहुड जो है वो शेक हो गई, बुरी तरह से मुतासिर हो गई। फेडरल गवर्नमेंट ने एजे के गवर्नमेंट को ये कहा, सूबों को भी यही कहा गया, लेकिन एजे के गवर्नमेंट को कहा कि आप आइडेंटिफाई करें पॉपुलेशन के मुताबिक। उन्हें एक फिगर दिया गया कि जो कि 67,000 बनता है, कि आप पूरे एजे के में से आइडेंटिफाई करें 67,000 वो लोग जो मुतासिर हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बीमारी से तो हमें निपटना ही था और लोगों को भूख से भी बचाना था, यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 144 मिलियन रुपीस का पैकेज अनाउंस किया है और जो कि वन टाइम असिस्टेंस प्रोग्राम है जो मई के आखिर तक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, सही है। और पर मंथ बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है या 12,000 इकट्ठे वन टाइम है और एक ही दफा लोगों को जो है ये मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने के लिए, जो कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, किस तरह से खुद को रजिस्टर करवाया और क्या प्रोसेस था? दो तरीक़ाकार इसके लिए अडॉप्ट किए गए। एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोवेंसेस को ये रिक्वेस्ट की गई कि आप आइडेंटिफाई करें थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार एंड पटवारी। और दूसरा, लोगों को डायरेक्ट एक्सेस दी गई, 8171 एक मोबाइल मैसेज जनरेट करके उन्हें दिया गया और एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना इंतहाई आसान था। वो कोई भी बंदा जो है वो उसको रजिस्टर कर सकता था। और उसमें बुनियादी 3 हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, CNIC एंड मोबाइल नंबर। अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने नेशनल एंड रीजनल मीडियाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन हमने इस दफ़ा लोगों को उनके पर्सनल मोबाइल नंबर्स के ऊपर मैसेजेस सेंड किए, जिससे ये इंश्योर हुआ कि हमारा पैगाम जो है वो हर जगह तक जो है वो पहुंच रहा है। क्योंकि अगर किसी को पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेज या टेक्स्ट भेजा जाए तो इस बात की श्योरिटी 100% होती है कि वो लाजमी उसको देखेगा और उसको पढ़ेगा, क्योंकि पर्सनल मोबाइल हर वक्त उसके पास होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ना जा सकें, वो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये एक्सेस दिया गया टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाते हुए कि कोई बंदा इससे महरूम ना रहे। और 19 अप्रैल रात 12 बजे तक इसका बाकायदा नोटिफिकेशन किया और चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर साहिबा जो है मीडिया पे आके भी ये बताती रही बारहा कि आप रात को 12 बजे तक, 19 अप्रैल की रात 12 बजे तक अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कट ऑफ डेट देनी थी ताकि जो लोग भी रजिस्टर हमारे पास अपने आप को करवाएं, उनके डेटा को रीवेरीफाई एंड रीवैलिडेट करने के बाद उन्हें जो है वो पैसों की तरसील जो है वो शुरू हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में अभी तक कितने लोग रजिस्टर हो गए हैं और कितने लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा चुकी है? आज़ाद कश्मीर को जो पॉपुलेशन में हमने कोटा एलोकेट किया था 67,000, हमने कोशिश ये करनी है कि उस
कोटा को डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो चेक लगा हुआ है उसके मुताबिक 67,000 लोगों को तो हमने इसमें लाजमी शामिल करना ही करना है और इसकी बजट एलोकेशंस भी मौजूद हैं। और डेटा क्लिनजिंग के बाद ही ये बात सामने आएगी कि कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया। लेकिन एक बात मैं यहाँ इजाफा करता चलूँ, कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ऑलरेडी ये पेमेंट रिसीव कर ली है। मतलब किसी हाउस होल्ड के अंदर उसकी मदर ने और किसी हाउस होल्ड में उसके फादर ने अगर ये पेमेंट रिसीव कर ली है तो हम इसको डुप्लीकेशन से बचाएंगे। और नादरा के डेटाबेस में जो ग्रहाने रजिस्टर हैं उसी के मुताबिक हम जो है वो आगे चले। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी डिस्बर्समेंट के बारे में बताएं कि एक बंदा गया, उसे रजिस्टर करा लिया, अब वो इंतज़ार करता है कि आपका उसको मैसेज आएगा और फिर क्या होगा? डेटा क्लिनजिंग के बाद हमने एक मैसेज का सिलसिला शुरू किया है। हम उस बंदे के पर्सनल मोबाइल नंबर के ऊपर उसके शिनाख्ती कार्ड नंबर के साथ एक मैसेज जनरेट करके भेजते हैं जो उर्दू लैंग्वेज में उनको नेशनल लैंग्वेज में जा रहा है कि आपके 12,000 रुपये आगे हैं, आप जाके अपने करीब तरीन पॉज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए जो है वो निकलवा लें। सही। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से किसी भी करीब POS पे जाके वो करवा लें। अच्छा, ये बताएगा कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का किस तरह का आपके साथ तावन रहा है और किन डिपार्टमेंट से, किन ऑर्गेनाइजेशन से आपने सपोर्ट ली है इसको सक्सेसफुली करने के लिए आज़ाद कश्मीर में? फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू वर्दी CS ऑफिस जब रब्ता किया, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की इस वक्त तक हमें भरपूर मुआवनत हासिल रही है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल डिफेंस है, उन तमाम लोगों के ज़िम्मे एज़ पर SOPs जो काम डाले गए थे वो उन्होंने भरपूर और बखूबी निभाए हैं। मैं इसकी यहाँ एक मिसाल आपको देता चलूँ। हमने शुरू में ये कहा था कि हमें हर तहसील के अंदर 2 कैंप्स बना के दें, लेकिन SMBR ऑफिस के साथ प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से हमने जहां भी लोगों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए कैंप साइट्स बनाने की रिक्वेस्ट की है तो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने हमारे साथ तआवुन किया और वो हमें बना के दे दिए। हमने 60 कैंप्स बनाने थे और कई दिन ऐसे हैं जिसके बीच में हमने 85-86 कैंप्स पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो कायम किए। मुजफ़्फ़राबाद की आपको मिसाल दूँ, यहाँ हमने 2 कैंप्स बनाने थे तहसील मुजफ़्फ़राबाद में और 2 बनाने थे तहसील पटेका में, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब का हमारे साथ इतना तआवुन रहा कि एक एक दिन में 8-9 कैंप्स भी अगर हमें रिमोट कैंप्स कायम करने पड़े तो हमने कायम कर लिए। लेकिन लोकली भी हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई। जब हम रिमोट कैंप्स दूर दराज इलाकों में ले कर जाया करते थे उसकी एक ही वजह थी, लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमी के पास पर्सनल व्हीकल तो है नहीं है कि वो शहर में आए और आके पैसे लेके जा सके। हमने मस्जिदों में ऐलान करवा के लोगों को उनकी यूनियन काउंसिल्स में और उनके गांव में रिमोट कैंप्स लगा के भी रकूम जो है वो पहुंचाई है। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता ही रहे हैं तो यहीं से हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर क्योंकि थोड़ा जियोग्राफिकली भी एक चैलेंजिंग एरिया है और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी यहाँ पे वक्तन फवक्तन मसाइल जन्म लेते रहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि इस पूरे प्रोग्राम को सर अंजाम देने में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और जो चीज़ें ऑनगोइंग हैं, आपको क्या मुश्किलात पेश आईं? और सबसे बड़ा चैलेंज जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो ये कि नज़्म व ज़ब्त कायम रखना, हिफाज़ती तदाबीर को इंश्योर करना कि जब लोग आएँ आपसे पैसे लेने के लिए या फिर डिसबर्समेंट प्रोसेस के दौरान के डिसइंफेक्टेड रहें और वायरस का स्प्रेड ना हो। पहला जो हमें प्रॉब्लम पेश आया वो नेटवर्किंग का था और इंटरनेट का सिग्नल हर जगह पे अवेलेबल ना होना था, लेकिन जल्द ही बैंक अलफला और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है आज़ाद कश्मीर की, उन दोनों में मुआहदा तय पाया तो SCO ने हमें दूर दराज इलाकों में, केल में, लीपा में, हवेली में, हलमत में, ताओबट में, हर जगह पे अपना जो इंटरनेट का सिग्नल है वो इंश्योर करके दिया, जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि हम लोगों को रिमोट एरियाज़ में भी जाके पेमेंट जो है मुमकिन बना सकें। इसके अलावा जो आपने कहा हिली टेरेन है और हिली टेरेन होने की वजह से लोगों को ऑन फुट 2-3 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, हमने लोगों को इस सफ़र से बचाने के लिए बैंक अलफला और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर्स
और पुलिस की गाड़ियां जो हैं उनको इस्तेमाल किया है ताकि हम लोगों को रिमोट एरियाज़ में जाके उनके उनकी दहलीज़ पे हम पैसे जो है वो दे सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तआवुन हमारे साथ मिसाली रहा। सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम की इंतज़ामिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की SOPs की रोशनी में अपने SOPs डिज़ाइन किए और उन SOPs में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के अहलकारान का रोल था, सिविल डिफेंस का रोल था, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल था। उसके लिए सिविल डिफेंस ने हमें अपने रज़ाकार जो हैं वो दिए, जो कि हर कैंप साइट्स के ऊपर जो हमारे लोग थे, गरीब हमारे लोग थे, हमारे अपने लोग थे, उनको एजुकेट करते थे कि आपने दूर दूर खड़े होना है, दूर दूर बैठना है, उनकी कुर्सियाँ दूर दूर लगाई जाती थी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर हो। डिसइंफेक्शन एंड सैनिटाइजेशन के लिए बैंक अलफला की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इसको BISP की टीम ने भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, जहाँ कहीं हमें लगा कि हमें सैनिटाइजेशन मटेरियल ख़रीदना है और लोगों को जब वो गेट से अंदर दाखिल हो रहे हों तो उनकी हाथों को सैनिटाइज़ करना है ताकि वो अपने पैसे ले सकें, जो हमें बिल्डिंग्स प्रोवाइड की गई वो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, इंटर कॉलेजेस थे, टाउन हॉल्स थे, यूनिवर्सिटीज़ के हॉल्स थे, वहाँ पर ऑलरेडी पानी की फैसिलिटी मौजूद थी और लोग जो है वो आराम से अपने हाथ वहाँ जा के धो सकते थे। यूँ गुफ्तगू तो आपसे अभी जारी रहेगी, लेकिन हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। میون ناؤ شمیم بہ سری نگر پہ آمت میں ہجرت کر ماجر آمت یوت منگ پہ مظفر آباد کیمپس مجھے تو اس واریا پریشان گمس میون گھر وال مزدور کر ام کرونا وجہ سے گئے واریا مزدور گئے ختم کی بالکل درم برم گئے مزدور کی رود نا تو بس احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ عمران خانک احساس پروگرام بہت شکر گزار کہ 12,000 روپیے دتک اہس کم از کم ریتک راشن آو اہس بچن دال چینی اوٹ توملہ آو اہس ریتک خرچہ آو اہس بچن چلو گزار کرو اس ریتس مز یت فاطمہ چودھری از ہیئر ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو مائی loving father and all Bisbians, one of the front line warriors of pandemic COVID-19. Bisbians are at high risk of COVID-19 as they are working at ground levels and campsites to provide the financial aid under BISP-SR program. Bisbians are out of home to combat the pandemic COVID-19. Bisbians are struggling to achieve the vision of Kadiyazam. They are the soldiers of Fkarali Bhutto. Bisbians are band together to protect the rights of poor, the dream of Benazir Bhutto, the lifetime struggle of PM Imran Khan for the well-being of common people is being achieved through Bisping. I also pay tribute to Raja Farooq Haider. His timely decision of lockdown saved the lives of people of educate. His proactive role is admirable. Bisbians are paying cash to keep alive the poorest, to save them from hunger threat due to lockdown. Bisbians are doing their jobs not as duties but as national obligation. Bisbians can't stay home because they are out for you. I am proud to be a daughter of a Bisbian. Please stay home, stay safe. Welcome back ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں AJK کے لیے فیڈرل کوآرڈینیٹر فار احساس ایمرجنسی کیش پروگرام واجد صاحب. ایک سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے, جب آپ جو نمبر بتایا گیا ہے احساس پروگرام کی طرف سے جس کے اوپر لوگ اپنا ایلیجیبلٹی چیک کرنے کے لیے یا رجسٹر کرنے کے لیے نمبر بھیجتے ہیں, وہ بھیجنے کے بعد ان کے 8 روپے کٹ جاتے ہیں,
ये क्यों करते हैं, कहां जाते हैं? इस बात को हाईलाइट किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो 8171 मैसेज फैसिलिटी दी है और कंपनीज उसके ऊपर 8 रुपये काट रही हैं, इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सख्त नोटिस लेते हुए पीटीए को ये हदायत जारी की कि इस मुश्किल वक़्त में ये जो पैसे काटे गए हैं इनको बंद कर दिया जाए और उसको मिनिमाइज़ किया जाए। और पीटीए ने इसके ऊपर जो है ना वो नोटिस लेते हुए उसको इंतहाई मिनिमम रेट्स पे लाया और फिर जाके ये मैसेजेस वसूल किए। आपकी बात सही है कि जैसे ही ये फ्लोट हुआ मीडिया के ऊपर ये क्वेश्चन, तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया और इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके और लोगों के लिए मुफ्त जो है ना वो मैसेज जनरेट करवाया। यानी अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोग मैसेज भेज रहे हैं। इसी में से एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और ये कंप्लेंट्स भी कहीं सरफेस करती रहती हैं कि कुछ गैर मुस्तहिक लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इस प्रोग्राम से। आप बहुत रिमोट एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे मसाइल भी हैं। ये सुनने में आया है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और डिफरेंट टीचर्स ने, डिफरेंट अदर एरियाज़ के लोगों ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। आपने इसको कैसे टैकल किया? हमने कैटेगरी नंबर 2 में रिलैक्स पीएमटी स्कोर के तहत जो है वो पेमेंट करनी थी। अनफॉर्चुनेटली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हम अपना सर्वे जो कि नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो कि पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात ख़राब होने की वजह से और एनओसी ना मिलने की वजह से हम उस सर्वे को अभी तक नहीं कंडक्ट करवा सके थे। वो हमने कंडक्ट करवाना था, तो फैसला ये किया गया कि कोविड-19 सिचुएशन के बाद हमें डिपेंड करना है, इन्हसार करना है 2010-11 में जो सर्वे हुआ है। ये जो शिकायत का आपने ज़िक्र किया है नीलम वैली से और झेलम वैली से, इसमें ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि जब सर्वे हुआ था तो उस वक़्त किसी घराने में लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, वो जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2013-2014 में बने। पुराना डेटा जो है उससे जब भी आप चीज़ों को लेते हैं तो उसको आल्दो के रिफ़ाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही ये शिकायत आई हैं, इससे पहले भी हमने एसओपी यही तय की थी कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की अकाउंटेंट जनरल ऑफिस को, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस बॉडीज़ को लेटर लिखा गया कि आप इस महीने जितने लोगों ने पेंशन ली है, जितने लोगों ने तनख्वाहें ली हैं, उनका डेटा हमें दें ताकि हम उस डेटा को अपने डेटा के साथ रीवेरीफाई एंड क्लिनजिंग के प्रोसेस से गुजारें। लेकिन जब ये शिकायत मौसूल हुई हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रीजनल डायरेक्टर राजा कलीमुल्ला खान ने बाकायदा इसका तदारुक किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिखा है कि ऐसे केसेस जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और राजा कलीमुल्ला साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें एसओपीज प्रोवाइड की जाएं कि ये लोग जिन्होंने गलती से पैसे ले लिए, आल्दो कि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन उनसे ये पैसे वापस ले के किस तरह से गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस दिलवाने। तो इससे भी हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की हद तक इम्कान कोशिश की है। ये तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन जो अब हम ज़ाहिर इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, लोगों का हजूम आता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? क्राउड मैनेजमेंट जो है वो आल्दो के हमें फ़ील हुआ कि बड़ी टफ़ जॉब है और कोविड-19 सिचुएशन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करनी है, सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट नहीं करनी। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हमारे साथ बड़ा तआवुन रहा, लेकिन हमने इसको टेक्निकल तरीके से और शार्प एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ाकार से भी हल किया है। एक तो हमने मैसेजेस जो लोगों को भेजे वो फेज़ वाइज भेजे ताकि एक ही दिन सारे लोगों का कैंप साइट्स के ऊपर हजूम ना बन जाए। कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने आज़ाद कश्मीर में एससीओ के साथ मुआहदे किए। एससीओ क्योंकि ऑलरेडी ब्रांचलेस बैंकिंग के ऊपर काम कर रही थी, तो एससीओ ने हमें जब ये तआवुन दिया तो हम थोड़े रिलैक्स हुए कि एससीओ के बहुत सारे रिटेलर्स भी हमारे पैनल के ऊपर आ गए। वो काम जो हमने बैंक अल्फला के साथ करना था उसमें एससीओ का एडिशनल जब रिटेलर शामिल हुआ तो हमें आसानी हुई। फिर हमने लोगों को क्राउड से बचाने के लिए ये कोशिश की कि 2, 3, और 4 रिटेलर्स भी एक एक हॉल में बिठा दें। आपने ख़ुद विज़िट किया होगा जब ईदगाह रोड के ऊपर हमारे कैंप्स लग रहे थे, जिस दिन ज़्यादा रश था तो हमने 5 रिटेलर्स भी बिठाए ताकि 5 रिटेलर जो हैं वो एक मिनट में 5 लोग जो है वो फ्री हो रहे हों, उससे भी हम रश को कंट्रोल करने में कामयाब हुए।
हर वो पॉसिबल मेथड, वो पॉसिबल जो है ना टेक्निक जिसका हम सहारा ले सकते थे, वो हमने सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एंड क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके प्रोग्राम के तवासत से सिविल सोसाइटी का, सिविल डिफेंस का, पुलिस का। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान हथेली पे रख के फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह काम किया और लोगों को न सिर्फ अच्छे तरीके से इंटरटेन किया, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि ढेर सारी इस तरह की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, ढेर सारे मसाले मौजूद हैं कि कोई बूढ़ी खातून अगर आई है तो उसके बेटे ने, पुलिस वाले ने उसको साथ हेल्प करके उसको व्हीलचेयर के ऊपर बिठा के कैंप साइट तक पहुंचाया और वापस उसको गाड़ी में पहुंचाया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे मुजफ्फराबाद के जो थे, उन्हें एक दिन वो वैसे गाड़ी से अपनी टीम लेके जा रहे थे तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कहा कि आप रुकें, और एक खातून जो है वो व्हीलचेयर पे थी पर वो गाड़ी से नहीं साफ ज़रा उतर सकती, व्हीलचेयर गाड़ी के ऊपर रखी हुई थी, तो उन्होंने गाड़ी के अंदर जाके उनको 12,000 रुपये की पेमेंट डिसबर्समेंट की है। इंसानियत के नाते जितना हो सकता था एहसास और BISP प्रोग्राम के अहलकारान से उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। वाजिद साहब, ये बताइए कि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, एहसास जो इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या कर सकते हैं लोग, किस तरीके से आगे चल सकते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें इसको सक्सेसफुल बनाने में? जहाँ तक सक्सेसफुल की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो इस वक्त तक अपने 16 दिनों में अपनी सक्सेस की बुलंदियों को छू रहा है। इन हालात में इतना स्पीडी डिसबर्समेंट ऑफ कैश जो है वो लोगों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एहसास प्रोग्राम और BISP ने इसको जो है वो करके दिखा दिया। लोगों से मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने बियॉन्ड द कैपेसिटी जा के मुल्क के मुआशी हालात को एक तरफ रख के आपकी हेल्प की है, और हेल्प सिर्फ इसलिए की है कि ताकि आप अपने घरों में रहें और सेफ़ रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें। अगर आपको कभी किसी मजबूरी के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है तो फिर भी आप हेल्थ एमरजेंसी या जो अपनी सेहत की ख्याल है उसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें। अभी हम जिन लोगों तक नहीं पहुंच सके, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम रमज़ान के पहले अशरे में ही अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 100% अपना काम जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से इसके बीच में इनपुट डालना चाहूँगा, वो तमाम लोग जिनके फिंगरप्रिंट्स का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, या के फैमिली में हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड के डेथ के मसाइल हैं, उसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन ने स्पेशल नादरा के जो ऑफिसेज हैं उनको खुलवाया है। नादरा के ऑफिसेज को खुलवाने के बाद इन लोगों के जो मसाइल हैं ये जाके हल हो जाएंगे, और हमारी तरफ से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, वॉइस मैसेज भी चल रहे हैं, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर भी कैंपेन्स चल रही हैं कि किस तरह से आपके मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। और एक आखिरी चीज़, हमने सिर्फ लोगों का ही ख्याल नहीं रखा बल्कि वो तमाम रिटेलर्स जिन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में काम किया है, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी, उनका टैक्स माफ़ कर दिया है, उनको टैक्स से छूट दी है, क्योंकि वो तमाम के तमाम रिटेलर्स, वो फ्रेंचाइजर्स, वो BVS टच पॉइंट्स के जो लोग थे, उन्होंने कैश को यूटिलाइज़ किया है स्पीडी, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उन्होंने 50-50 लाख बैंकों से निकलवाए हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके ऊपर जितना टैक्सेशन था वो गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी। और बाकी सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह में से कुछ पैसे काट लिए? सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह की जहाँ तक आपने ये बात की है, तो सरकारी मुलाज़मीन ने और आर्मी ने अपनी तनख्वाह को जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट में ख़ुद से ऐलान करके गवर्नमेंट के फ़ंड में जमा करवाया है, क्योंकि सरकारी मुलाज़मीन भी इसी मुआशरे में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के भाई जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और सरकारी मुलाज़मीन का ये जो जज्बा है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि उन्होंने ख़ुद से कहा कि हम 1, 2 या 3 दिन की तनख्वाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के रिलीफ फ़ंड में देंगे, ताकि वो लोग जो सरकारी मुलाज़म नहीं हैं लेकिन मुतासिर हैं उनकी हेल्प की जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और इतना थॉरली, इतनी डिटेल में हमें एक एक स्टेप समझाने के लिए। तो नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा, एहसास प्रोग्राम, इमरजेंसी एहसास कैश प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने।
जिसमें तीन कैटेगरीज हैं। लोगों ने वेब पोर्टल के ज़रिए या ख़ुद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाया है, एसएमएस के ज़रिए रजिस्टर करवाया है, और रजिस्ट्रेशन के बाद अब जैसे कि वाजिद साहब हमें बता चुके हैं, लोगों को कन्फर्मेशन के मैसेजेस जा रहे हैं और अपने नियरेस्ट POS से जाके वो कैश वसूल कर रहे हैं। अगर आपने भी ख़ुद को रजिस्टर करवाया है और अभी तक आपका मैसेज नहीं आया, तो आप इंतज़ार करें और जल्द अज़ जल्द आपको वो मैसेज रिसीव हो जाएगा और अपने नियरेस्ट POS एरिया से जाके अपना कैश वसूल कर लीजिए। मैं ज़ारा शफीक अपनी पूरी टीम कश्मीर अपडेट के साथ और इस ढेर सारी बारिश के साथ आप सबको रमज़ान मुबारक कहते हैं, और इस दुआ के साथ कि रमज़ान आपका भी बहुत अच्छा गुजरे, हमारा भी बहुत अच्छा गुजरे, हम ढेर सारी नेकियां कमाएं, और ये एहसास प्रोग्राम, ये इमरजेंसी प्रोग्राम हमारा मुल्क इस सूरत हाल से जल्द अज़ जल्द बाहर आ जाए। इस दुआ के साथ मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ करती हूँ। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू।